इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो पानी में डूब रहा होता है, क्योंकि उसका जहाज टूट चुका था। वो लड़का किसी तरह एक लकड़ी की मदद से अपनी जान बचाता है, मगर उसके आसपास एक समुद्री राक्षस मंडरा रहा था, जिससे वो लड़का काफी डर जाता है। मगर ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेसी होता है। उसके माँ बाप एक शिकारी थे जो एक राक्षस का शिकार करते समय मारे गए थे, इसीलिए वो बहुत सारे अनाथ बच्चों के साथ अनाथालय में थी, जो कि राजा और रानी ने शिकारियों के अनाथ बच्चों के लिए बनाया था। मेसी सभी बच्चों को समुद्री राक्षसों की कहानी सुनाती है कि सालों पहले समुद्री राक्षस तट पर आकर सब कुछ तबाह कर देते थे, जिसकी वजह से समुद्र में कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं था। लेकिन शिकारियों की वजह से अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि ऐसे बहादुर योद्धा है जो अपनी जान पर खेलकर उन समुद्री राक्षसों का शिकार करते हैं। सभी शिकारियों में सबसे महान तूफान नाम का जहाज है, जिसने कई राक्षस का शिकार किया है, और उसके कैप्टन क्रो है। मगर तभी वहाँ पर ऑर्फनेज की एक मैट्रन आ जाती है, जो सभी बच्चों को कहती है कि तुम्हें एक घंटे पहले ही सो जाना चाहिए था। ये सुनकर सभी बच्चे अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। मैट्रन मेसी को सख्त हिदायत देती है कि तुम इस तरह ऑर्फनेज के नियम नहीं तोड़ सकती। तो मेसी उनसे कहती है कि मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। तो मैट्रन वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही मेसी अपने शूज पहनकर वहाँ से निकल जाती है। सभी बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। वो सभी से कहती है कि हम सब शिकारी हैं, इसीलिए हम जिएंगे शान से और मरेंगे भी शान से। ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं फिर हमें समुद्र में तूफान जहाज को दिखाया जाता है, जहाँ लुकआउट नाम की एक लड़की जेकब नाम के लड़के से कहती है कि उन्होंने पानी में बहुत बड़े राक्षस को देखा था। कैप्टन क्रो जेकब के पास आकर उसे कहते हैं कि सामने जो राक्षस दिखा था वो रेड ब्लास्टर है, जिसने 30 साल पहले मेरी आँख को फोड़ दिया था, जिसका बदला में उसे मार कर लूंगा। लुकआउट कैप्टन से कहती है कि एक राक्षस ने शिकारी के जहाज पर हमला कर दिया है, हमें उनकी मदद करनी होगी। मगर कैप्टन ऐसा करने से मना करते हैं। जेकब कहता है कि शिकारियों के नियम के हिसाब से हमें उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि हम सभी शिकारी एक हैं। कैप्टन जेकब की बात मान लेते हैं और शिकारियों की मदद करने चले जाते हैं। समुद्री राक्षस जहाज को देखकर उसके नीचे जाने लगता है। जेकब एक बॉल को बाले की मदद से राक्षस को लगा देता है, जिससे कि पानी में राक्षस का पता चल सके। राक्षस जहाज के नीचे जाकर उसे पलटने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक लड़का पानी में गिरने वाला था, मगर जेकब उसे बचा लेता है और उसे छुपने को कहता है। जेकब देखता है कि मछलियों का जाल कटा हुआ है और परिंदे उनके जहाज के ऊपर है, इसका मतलब राक्षस हमारे नीचे है। तभी राक्षस जहाज को टक्कर मारते हुए निकलता है और जहाज को अपने मुँह में भर कर हमला कर देता है, और राक्षस के सर में भाले से वार करता है, जिससे राक्षस को गुस्सा आता है और जेकब को अपनी पूछ से मारकर पानी में गिरा देता है और उसे अपने मुंह में दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जेकब उसे बच जाता है। क्रो राक्षस को बाले से मार देते हैं और जब पानी से बाहर आते हैं, तब अचानक राक्षस उन्हें अपने टेंटिकल में पकड़ लेता है और अपने साथ अंदर ले जाता है, मगर जेकब उन्हें बचा लेता है। सारा कहती है कि जहाज की लकड़ी कमजोर हो गई है, तो क्रो जहाज को वापस घर ले जाने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सभी लोग जेकब को कैप्टन क्रो से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन जेकब कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता। सारा आकर जेकब से कहती है कि कैप्टन तुमसे बात करना चाहते हैं। जेकब क्रो के पास जाता है तो कैप्टन कहते हैं कि हम घर जाएंगे और राजा से अपना इनाम लेंगे और जहाज ठीक कराकर फिर से समुद्र में उस लाल राक्षस को मारेंगे, और मेरे बाद इस जहाज को मैं तुम्हें सौंप दूंगा, क्योंकि मैंने तभी सोच लिया था जब तुम मुझे समुद्र में मिले थे। हमें तुम्हें एक आग दिखी और मुझे ऐसा लगा कि किस्मत ने मुझे एक बेटा सौंपा है जो कि तूफान का कप्तान बनेगा। जेकब कहता है कि मैं भी सभी समुद्री राक्षस को मार गिराऊंगा। क्रो जेकब को गले लगा लेते हैं। सभी घर पहुंच जाते हैं। सारा सभी लोगों से कहती है कि हम ज्यादा दिन घर नहीं रुकेंगे। तो जेकब कहता है कि राजा इस सिंह के बदले अच्छा इनाम देंगे, और सब जहाज से उतरकर पार्टी करने लगते हैं। तभी जेकब के पास मेसी आकर कहती है कि आप जेकब हो ना, जिसने 2 दिन में 4 राक्षस मारे थे। तो जेकब कहता है कि 2 दिन में 5 मारे थे। मेसी जेकब से कहती है कि मैं भी शिकारियों के खानदान से हूँ, मेरे माता पिता भी शिकारी थे और वो मोनाक पर काम करते थे, अब वो नहीं रहे। तो जेकब कहता है कि तुम्हारा ध्यान कौन रखता है। तो बताती है कि मैं अभी अनाथ आश्रम में रहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ से भाग आई हूँ और वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तूफान में आ रही हूँ। जेकब उसे आने से मना करता है और उसे घर छोड़ने के लिए एक घोड़ा गाड़ी में बिठा देता है। वहीं अगले दिन क्रो, सारा और जेकब राजा से मिलने उनके महल जाते हैं।
और कहते हैं कि महाराज हम आपके लिए समुद्र से राक्षस का सिंह लाए हैं। तो रानी कहती है कि हमें पता है आपने ब्रिकल बे को अपना शिकार बनाया है, लेकिन हमें रेड ब्लास्टर का सिंह चाहिए था और हमें एडमिरल होर्ना गोल्ड ने एक ताजा खबर दी है कि रेड ब्लास्टर आपके सामने था, पर शिकारियों के कानून की वजह से आपने उसे जाने दिया और इनाम देने से मना कर देती है। राजा कहते हैं कि अब से शिकारी समुद्र में नहीं जाएगा और राक्षसों को मारने के लिए हमने शाही जहाज बनाया है। एडमिरल होर्ना गोल्ड कहता है कि नेवी के इस जहाज में इतनी तोपें हैं कि रास्ते में आने वाले हर राक्षस के टुकड़े कर देगा। क्रो कहते हैं कि इस जहाज में दम नहीं है क्योंकि यह ना तो ऊंचा है ना ही इसकी तोपों को हिलाया जा सकता है और ऊपर से इसका कैप्टन गधा है। रानी जनरल से कैप्टन क्रो को बाहर निकालने को कहती है। क्रो कहते हैं कि तुम सब डरपोक हो, तो रानी को गुस्सा आ जाता है और कैप्टन को गिरफ्तार करके तूफान को कब्जे में करने का हुक्म देती है। जैकब कहता है कि महारानी जी हम वही शिकारी हैं जिसने आपके राज्य को इतना बड़ा किया है, आप हमें ब्लास्टर को मारने का एक मौका दीजिए, अगर हमने उसे पकड़ लिया तो वादे के हिसाब से आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे और अगर ब्लास्टर शाही जहाज के हाथ लगता है तो आप तूफान के टुकड़े कर दीजिएगा और हम मान लेंगे कि दुनिया को शिकारियों की जरूरत नहीं है। एडमिरल जैकब की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। राजा क्रो को जाने को कहता है। वहीं क्रो सारा और जैकब के साथ ब्लास्टर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और समुद्र में चले जाते हैं। क्रो कहते हैं कि कोई भी खुले समुद्र में नहीं गया और जैकब को जहाज का कप्तान बना देते हैं और जश्न मनाते हैं। मेसी एक ड्रम में छिपकर जहाज में आ जाती है। जैकब जब उसे ड्रम में देखता है तो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, हम तुम्हें अगले बंदरगाह पर उतार देंगे। क्रो पूछते हैं कि बच्ची कौन है, तो मेसी क्रो की तारीफ करती है। क्रो भी उसे जहाज में रहने की परमिशन दे देते हैं। सारा मेसी को एक रूम में छोड़कर उसे एक चाकू देती है। मेसी सारा को किताब में उसका चित्र बताती है, मगर सारा वहाँ से चली जाती है। क्रो जैकब से कहते हैं कि अभी हम ड्रेग मौसी में है। जैकब कहता है कि ब्लास्टर भी हमें मिल जाएगा बहुत जल्द। वही मेसी चाकू की धार करने लगती है, जिसे देखकर क्रो कहते हैं कि मुझे इस लड़की में वही आग दिखती है जो मुझे तुम्हें दिखी थी, और वो मेसी को सोने भेज देते हैं। लेकिन तभी ब्लास्टर उन पर हमला कर देता है। जैकब सबको जगा देता है और सभी ब्लास्टर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेसी जैकब से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो जैकब उसे कमरे में जाने के लिए कहता है और खिड़की से दूर रहने को भी कहता है। वहीं क्रो ब्लास्टर पर हमला करते हुए उस पर भाला फेंकते हैं और वो बालों की रस्सियों में फंस जाता है। ब्लास्टर गोल गोल घूमने लगता है और उसके साथ जहाज भी गोल घूमता है। क्रो भाले से ब्लास्टर को मारने जाता है, लेकिन जैकब उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन क्रो उसकी बात नहीं सुनते। मेसी देखती है कि सबकी जान खतरे में है, इसीलिए वो रस्सी को काटने लगती है। क्रो उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन मेसी नहीं सुनती। क्रो जैकब को मेसी को रोकने कहते हैं, लेकिन जैकब उसे नहीं रोकता और वो रस्सी काट देती है। मेसी और जैकब दोनों पानी में गिर जाते हैं और पानी से निकलकर एक नाव में बैठ जाते हैं, जहाँ क्रो जैकब से मेसी को उनके पास लाने को कहता है, लेकिन जैकब उसे क्रो के पास नहीं ले जाता, तो क्रो जैकब की तरफ गन कर देते हैं। लेकिन तभी ब्लास्टर आकर जैकब और मेसी को नाव समेत खा जाता है। वहीं जैकब और मेसी रेड ब्लास्टर के मुंह में होते हैं और आग जला लेता है। मेसी जैकब से कहती है कि अब हम मर जाएंगे, तो जैकब कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। जैकब एक रस्सी का सिरा अपने और दूसरे सिरे को मेसी के साथ बांधकर अंदर की तरफ जाता है। मेसी भी उसके पीछे जाती है और वो ब्लास्टर के नाक में जाकर बैठ जाते हैं। जैकब ब्लास्टर को मारने के लिए ब्लास्टर के नाक से बाहर जाता है, लेकिन मेसी उसे जाने से मना करती है, मगर जैकब मेसी की बात नहीं मानता। तभी रेड जोर से सांस बाहर छोड़ती है। जैकब बाहर लटक जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेसी भी बाहर आ जाती है और रेड उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है। वहीं जैकब उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेसी अपना पैर छुड़ाकर रस्सी काट देती है और रेड भी अपने पंख से तेज पानी में जैकब की तरफ उछलती है, जिससे जैकब दूर जाकर गिरता है। रेड वहां से चला जाता है। मेसी जैकब से कहती है कि मैं आपकी वजह से आज मरने वाली थी, तो जैकब कहता है कि तुम्हारे रस्सी काटने की वजह से हम यहाँ आए हैं। तभी उन्हें कुछ और राक्षसों की आवाज सुनाई देती है और वो छिपने की जगह ढूंढते हैं। जैकब मेसी के लिए कुछ खाने को लाता है, लेकिन मेसी कहती है कि हमें रेड को नहीं मारना चाहिए क्योंकि रेड के पीछे हम गए थे। जैकब कहता है कि अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो हमें मारेंगे और तुम्हारे माँ बाप को भी इन्हीं राक्षसों ने मारा है। मेसी कहती है कि रेड ने हमें मुंह में क्यों रखा, क्योंकि हमें कैप्टन क्रो से बचा रही थी। जैकब कहता है कि तुम राक्षस
पैसों को इतनी इज्जत क्यों दे रही हो? तो मेसी कहती है कि कैप्टन ने तुम पर बंदूक तानी थी। जेकब कहता है कि उसकी वजह तुम थी, क्योंकि तुमने रस्सी काटी थी। जेकब बाहर चला जाता है। वहीं क्रो जहाज पर अकेले बैठे होते हैं। सारा क्रो से कहती है कि राक्षस चला गया। क्रो कहते हैं कि वो जेकब को ले गया और वो जेकब को मरा हुआ मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जेकब को रेड ने खा लिया होगा और अब नहीं लौटेगा। सारा क्रो को बताती है कि जहाज में छेद हो गया है, हम ज्यादा देर तक रुके तो जहाज डूब जाएगा। क्रो कहते हैं कि हम मुकेश आइलैंड जाएंगे, लेकिन सभी लोग कैप्टन को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते, क्योंकि क्रो रेड से अपना बदला किसी भी हालत में लेना चाहते थे। वहीं अगले दिन सुबह मेसी देखती है कि जेकब के बैग में से एक राक्षस का छोटा बच्चा निकलता है और वो मेसी से दूर भागता है। मेसी उसे पकड़ लेती है और एक राक्षस के अंडों के पास पहुंच जाती है और उसके पैर से एक अंडा फूट जाता है। तभी जेकब वहां जाता है और वो उस राक्षस के बच्चे को फेंक कर मेसी को उठाकर वहां से चलने लगता है। लेकिन जेकब से बहुत सारे अंडे फूट जाते हैं और उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं, जो कि जेकब और मेसी के पीछे पड़ जाते हैं। तभी वहां पर उन बच्चों की मां आ जाती है। जेकब और मेसी वहां से भागने लगते हैं तो जेकब के पीछे एक बच्चा रह जाता है, जिसे मेसी पानी में फेंक देती है। और वो रम पेपर आइलैंड जाने की सोचते हैं, लेकिन तभी उन पर एक राक्षस हमला कर देता है तो रेड ब्लास्टर आकर उन्हें बचाती है। रेड से डर कर वो राक्षस भाग जाता है, लेकिन मेसी पानी में गिर जाती है। मेसी को एक राक्षस का बच्चा ब्लू बचा लेता है। राक्षस के हमले से जेकब की नाव में छेद हो गया था, तो मेसी जेकब से कहती है कि रेड हमें ले जा सकती है। और वो रेड से मदद मांगने के लिए रेड से कहती है कि क्या तुम हमें उस तरफ ले जा सकती हो। तो रेड वहां से चली जाती है, लेकिन पीछे से आकर उन्हें अपने ऊपर बिठा लेती है। मेसी रेड के ऊपर कूदती है और काफी खुश होती है। जेकब एक कांच की मदद से जाने का रास्ता देखता है और रेड से कहता है कि तुम्हें अपने दाएं तरफ मुड़ना होगा, लेकिन रेड नहीं समझती। तो मेसी आकर रेड को समझाती है तो रेड घूम जाती है। मेसी देखती है कि रेड के बहुत सारे बाले चुभे होते हैं, जिसे मेसी अकेले निकालने लगती है। वहीं क्रो तूफान को लेकर मुकेश आइलैंड पहुंचता है और ग्वेन बेटरबी नाम की एक बूढ़ी महिला से मिलने जाते हैं। ग्वेन क्रो से कहती है कि यहाँ एक शिकारी तभी आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, और मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी, दुनिया के समुद्री राक्षसों को खत्म कर देने वाला जहर, और उस जहर को राक्षसों के अंदर तक पहुंचाने वाला हथियार। ग्वेन क्रो को आज तक का सबसे घातक हथियार देती है, जिसका नाम मौत की लोरी था, और ग्वेन हथियार के बदले में क्रो का सब कुछ ले लेती है। वहीं जेकब और मेसी खाने के लिए मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर जेकब एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। रेड समझ जाती है कि इन्हें खाने के लिए मछली चाहिए, तो रेड पानी में गोल गोल घूमने लगती है, जिससे मछलियां उछलने लगती है और मेसी एक मछली को पकड़ लेती है। जेकब देखता है कि मेसी अकेले ही रेड के चुभे भाले निकाल रही है, तो वो भी उसकी मदद करता है। जेकब जब मेसी की किताब पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि किताब में समुद्री राक्षसों के बारे में गलत लिखा है, जिसे पढ़कर जेकब काफी हैरान होता है। तभी तेज तूफान आता है तो रेड उन्हें अपने नाक पर बिठा लेती है। वहीं क्रो रेड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्रो सारा से कहते हैं कि रिडल बेकर्स कभी इतनी दूर नहीं आते, तो सारा कहती है कि वो किसी से डर कर भाग रहे हैं और रिडल बस एक राक्षस से डरते हैं। क्रो मरीनो को दक्षिण की ओर जहाज को ले जाने को कहते हैं। वहीं जेकब कहता है कि हम पहुंच गए और रेड इससे आगे नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए हम किसी की मदद लेंगे। मेसी जेकब से कहती है कि आप तूफान पर वापस नहीं जाओगे और मेरे परिवार में कोई नहीं, तो क्या हम साथ नहीं रह सकते। जेकब कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जेकब रेड से कहता है कि तुम्हें अब घर जाना होगा और मैं कभी समुद्री जानवरों का शिकार नहीं करूंगा, और अपने पैर से भाला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटता। जेकब ब्लू को पानी में छोड़ देता है। मेसी भी रेड को गले लगाकर जाने को कहती है, लेकिन तभी रेड को राजा का शाही जहाज दिखाई देता है और वो उस पर हमला करने लगती है। जेकब और मेसी रेड को मना करते हैं, लेकिन तभी रेड पर राजा के लोग हमला कर देते हैं। मेसी रेड को रोकने जाती है, लेकिन उसे नहीं रोक पाती। रेड शाही जहाज को तोड़ देती है और जनरल को मारने वाली होती है, लेकिन जेकब रेड पर गोली चला देता है। रेड जेकब के पास चली जाती है, लेकिन तभी तूफान वहाँ पर आ जाता है और वो युद्ध का ऐलान कर देता है, तो रेड क्रो को मारने जाती है। मेसी जेकब से रेड को बचाने के लिए कहती है। वहीं क्रो मौत की लोरी को तैयार कर लेते हैं और रेड के ऊपर चला देते हैं, जिससे कि रेड बेहोश होती है। क्रो रेड को जहाज के पीछे बांध लेते हैं। वो देखते हैं कि जेकब उनकी तरफ एक नाव में आ रहा है। वहीं जेकब क्रो को सारी बात बताता है कि रेड अच्छी है, लेकिन क्रो उसकी बात नहीं मानते। मेसी क्रो के
ऊपर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन जेकब उसे रोक लेता है। क्रो जेकब को अपने साथ ले जाते हैं और उसे जहाज का कैप्टन बनाने की बात करते हैं। मैसी सारा से कहती है कि रेड अच्छी है, लेकिन सारा रेड की मदद करने के लिए मना कर देती है। वहीं क्रो रेड को लेकर राजा के पास उसके महल जाते हैं। वहीं ब्लू भी आ जाता है और मैसी के रूम में चला जाता है। जहाज राजा के महल पहुंच जाता है, जहां रानी कैप्टन क्रो से कहती है कि आपने राक्षस को पकड़कर ये चुनौती जीत ली। क्रो रानी से कहते हैं कि आपका शाही जहाज रेड के एक वार से ही टूट गया। वहीं मैसी रेड की सारी रस्सियां काटने लगती है। क्रो बाले से रेड को मारने लगता है, लेकिन जेकब उसे ऐसा करने से रोकता है और जेकब क्रो आपस में लड़ने लगते हैं। सारा मैसी को रस्सी काटते देख लेती है और रेड की रस्सी काट देती है, जिससे रेड खड़ी हो जाती है और राजा के सैनिकों पर हमला करती है। रेड क्रो को मारने लगती है, लेकिन मैसी आकर रेड को रोक लेती है। तो जेकब आकर रेड के सामने भाला तोड़ देता है और कहता है कि आज से शिकार बन। रेड मैसी और जेकब को अपने ऊपर बिठा लेती है, जहां मैसी कहती है कि हमारी ये किताबें सभी गलत है और हमें राक्षसों के खिलाफ भड़काया है। तो रानी जनरल से मैसी पर हमला करने को कहती है, लेकिन हमला नहीं करता और राजा और रानी वहां से भाग जाते हैं और रेड भी वहां से चली जाती है। क्रो भी अपनी तलवार फेंक देते हैं। मैसी कहती है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मेरा परिवार और मैं अब अपनी जिंदगी शान से जिएंगे। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।